अगला क्वेश्चन है सीरीज से कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा मिसिंग नंबर है, तो इसमें से क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, लिखने से थोड़ा सा आसानी बढ़ जाएगी। यहीं पे आपको बताना है 48 16 8। देखिए आसान क्वेश्चन है, यहाँ देखिए उल्टा 8 × 16, 16 × 3 = 48, मतलब 2 का गुणा हुआ है, फिर 3 का गुणा हुआ है, फिर यहाँ पे कितना गुणा होगा, 4 का गुणा होगा, फिर यहाँ पे 5 का गुणा होना चाहिए, फिर यहाँ पे उल्टा 6 का गुणा होना चाहिए। यहाँ पहले इसमें 48 में 4 का गुणा करके देख लेते हैं, 8 × 32 = 2 3, 8 × 4 = 16 3 19, इसका मतलब यहाँ पे 192 भरा जाएगा। अब इसको और भी ज़्यादा संतुष्ट होना चाहते हैं तो 192 में 5 का गुणा करिए, 960 आना चाहिए, 5 × 2 = 10 1, 9 × 5 = 45 1, 46 × 6 = 4, और 5 × 5 = 5 5 × 9 960 आ गया, मतलब कि 192 सही है, 192 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 15 35 63, इसमें क्या भरा जाएगा, तो लिखिए सीरीज को 3 15 35 और 63। यहाँ देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28 जुड़ा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, 8 8 नंबर बढ़ता गया, मतलब 12 8 20 8 28, अब क्या इसमें जुड़ेगा, तो 28 8 36, इसमें 36 जोड़ दीजिए, 63 में 36 जोड़िए, 6 3 9 और 6 3 9, देखिए कोई ऑप्शन है, 99 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अगला कि 24, यहाँ पे सिंबल है 4, यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें से आप इन ऑप्शनों में से किसको आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि ये एक सीरीज बन जाए, तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे करिए। वैसे इतना जानिए कि हमारे हिसाब से यहाँ जो पहले यहाँ बराबर का चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा है, तो बराबर या फिर भागे का चिन्ह आएगा, तो बराबर वाले को पहले चेक करते हैं, बराबर वाले में पहले है बी और डी, तो पहले बी को चेक करते हैं, 24 = 4 × 5 = 4, 5 × 20 = 24, देखिए ये बराबर हो गया, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, अगर बी नहीं होगा तो फिर डी चेक करेंगे, अगर डी नहीं होगा तो सी और फिर ए चेक करना पड़ेगा आपको। इसमें किस पहले वाले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिसमें 5 बच्चे ए बी सी डी बैठे हैं और एक दूसरे से पीछे अलग अलग 5 पंक्तियों में बैठे हैं, तो आपको बताना है कि इनका क्रम बताना है, तो ए बैठा है सी के पीछे, जो ए बैठा है सी के पीछे, ठीक, लेकिन बी से आगे, ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी से आगे, सी बैठा है ई के पीछे, सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे, ठीक, तो इस पंक्ति में अंतिम ये किस क्रम में बैठेंगे यही आपको बताना है, तो क्रम हो जाएगा डी ई सी ए बी, ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो शार्क व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। देखिए जो शार्क होता है वो व्हेल नहीं होता है, ठीक, शार्क व्हेल और समुद्री कछुआ, ये तीनों अलग अलग है, तीनों की क्वालिटी अलग अलग है, तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तीनों अलग अलग है। बढ़ते हैं आगे, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में से बताना है कि कौन सबसे अलग है, बुलबुल गौरैया चमगादड़ और किलकिला, तो इसमें से देखिए बुलबुल गौरैया और किलकिला ये तीनों स्तनधारी नहीं होते, लेकिन चमगादड़ स्तनधारी होता है, ठीक, तो चमगादड़ हो जाएगा इसमें से अलग। इसमें घुड़साल झोपड़ी टंकी और मकान, तो इसमें क्या अलग है, तो इसमें है टंकी, क्योंकि घुड़साल घोड़े के रहने के लिए, झोपड़ी इंसान के, मकान इंसान के, मतलब ये तीनों सजीव के रहने के लिए है, ठीक, लेकिन टंकी सजीव नहीं, यहाँ पे पानी रहता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन सीरीज से है, आपको बताना है इसमें से कौन गलत है, जैसे कि देखिए 49 49 50 54 60 और 79,
104। देखिए यहाँ गलत, पहले आपको इनमें से डिफरेंस निकाल लेना होता है कितना। यहाँ 0 बड़ा है, यहाँ 1 है, 4 है, 6 है, 19 है। देखिए यहाँ पे 0 समझ में आ रहा है, 1 भी ठीक है, लेकिन 4 भी ठीक है, लेकिन 6, 6 का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप 0 स्क्वायर जोड़ सकते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर जोड़ सकते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर जोड़ सकते हैं, लेकिन जो ये 6 है ये 3 का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहीं पे हमको गलती लग रही है, तो पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 54 हो गया है, और इसमें जब 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 जोड़ेंगे तो ये 60 के बजाय 63 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और ज्यादा सत्यापित होने के लिए 63 में हम 4 का स्क्वायर 16 जोड़ के देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। ये आ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 60 के बजाय क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगली क्वेश्चन में आपको बताना है कि सामान्य गुण नहीं है। तो देखिए 81 है, यहाँ हम लिख देते हैं 81, 36, 25, 9, 5 और 16। ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। लेकिन यही जो 5 है यही किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें से जो भिन्न था वही आपको बताना था। बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है कौन निष्कर्ष सही है। कथन है कि चेन्नई से दिल्ली जल्दी से पहुंचने के लिए प्लेन से जाएं। चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए प्लेन का सहारा लेने के लिए बोल रहा है। ठीक, अब निष्कर्ष दिया गया है कि चेन्नई और दिल्ली के बीच वायुयान सेवा है, और अगला है कि चेन्नई से दिल्ली को जाने के लिए कोई और साधन नहीं है। तो जो ये कथन दिया गया है उसके अनुसार ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वायुयान सेवा नहीं होती तो वो कहाँ से कहता कि आप शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं। लेकिन दूसरा वाला का कोई मतलब नहीं है, दूसरा वाले के बारे में इस कथन में कहीं बताया नहीं गया है। इसका मतलब कि इसका केवल पहला सही होगा, और पहला के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। बढ़ते हैं आगे। अब आपको इनमें से एक बलिष्ठ एवं अनुशासित लड़के का नंबर कौन बता रहा है उसी को बताना है। तो बलिष्ठ के लिए कौन है, तो जो वृत्त में है, जो वृत्त में है वो बलिष्ठ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो वृत्त में है वो बलिष्ठ है। तो बलिष्ठ में देखिए 7, 6, 4, 3, 5 और 2 है, ये सब बलिष्ठ है। अब देखना है कि वो अनुशासित लड़का हो, तो अनुशासित लड़का कौन होगा, जो कि वर्ग में होगा। ठीक है, जो कि इस वर्ग में होगा, तो वर्ग में इनमें से केवल क्या है, 2 है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, तो आपको इन्हीं तीनों को लेके क्वेश्चन बनानी है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, तो देखिए ये सब गंगा के किनारे बसे हैं, या फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, या फिर विभिन्न प्रदेशों की राजधानियां हैं, या फिर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तो ये यमुना नदी के किनारे नहीं बसे हैं, विभिन्न प्रदेशों की राजधानियां नहीं है, और ये तीनों अधिक जनसंख्या वाले नहीं है, इसमें से एक है केवल इलाहाबाद। ये जो पहला है यही सही होगा, क्योंकि ये तीनों गंगा नदी के किनारे बसे हैं यूपी में। ठीक है, अगला है पोर्ट ब्लेयर, नई दिल्ली और दमन, तो ये क्या है, तो ये संघीय प्रदेश नहीं है, ये प्रदेशों की राजधानियां हैं, और कैसे प्रदेशों की, तो संघीय प्रदेशों की राजधानियां हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि ए का भाई, ए बी का भाई है, ए जो है वो क्या है, भाई है किसका, बी का। देखिए बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सी बी की बहन है, तो सी को बता दिया गया कि बहन है, लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। डी ए का भाई है, तो डी के बारे में बता दिया गया कि डी भाई है ए का। तो कह रहा है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी को आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि बी पुरुष है या फिर महिला है। तो जब बी का पुरुष और महिलापन पता नहीं होता है तो इसके लिए हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बस पुरुष और उनकी आधी संख्या के महिलाओं के बराबर, महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। तो पुरुषों की संख्या मान लेंगे 2x, महिला हो जाएंगे x, मतलब जितने पुरुष हैं उसकी आधी महिलाएं हो गई। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब कह रहा है कि मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, 10 लोग उतर गए,
और महिलाएं में 5 सवार हो जाती हैं। तो अब उनकी जो संख्या है बराबर हो गई है, ठीक। तो अब यहां से आप हल कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 15, यहां पर रखेंगे तो पुरुषों की संख्या 30, महिलाओं की संख्या 15। तो जब यह दिल्ली से चला था तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 45। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि वह कौन सी आकृति है जो तीनों से अलग है। तो देखिए, ए हो या फिर सी हो या फिर डी हो, तीनों ऊपर से आधा आधा बांटी गई हैं, लेकिन बी ऊपर से नहीं बांटी गई है। इसका मतलब कि बी सबसे अलग है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है। अब आपको बताना है कि इस मिरर में वो फिगर कैसे दिखेगा। चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप मिरर वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, आप ये तुरंत लगा पाएंगे इसको। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है कि जो यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है, इनको जोड़कर इसमें से कौन सी उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। तो देखिए, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा उत्तर होगा। आप इन्हें जोड़ जोड़ के देख लेंगे, ये सारे जो फिगर मिलेंगे इसमें मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें से आपको बताना है कितने वृत्त हैं। तो आसान सवाल है, पहले ऊपर वाले को गिन लीजिए, एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, पांच, भीतर वाला छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, 16, 17, कुल मिला के 17 वृत्त हैं। सही उत्तर है 17। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ये प्रश्न आकृति दिया गया है, ये प्रश्न आकृति, ये कौन सी उत्तर आकृतियों में है। तो देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब कि इसमें है। आप चेक कर लीजिए, देखिए ये जो पहले दिया है इतना सा, देखिए केवल इतना पहले इसको मिलाइए, तो यहाँ पर देखिए ये है, ठीक, सेम है ना। उसके बाद जो इतना दिया गया है ये यहां से है, मतलब कि उत्तर इसमें निहित है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उनमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं जो कि इस परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।